दोस्तों नमस्कार। दिल्ली के अंदर JNU के छात्र फीस बढ़ोतरी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। उनको कई बार पुलिस ने पीट लिया है। उनके फीस बढ़ोतरी के आंदोलन को बदनाम करने के लिए गोदी मीडिया नहीं मैं उसको मोदिया कहूँगा और पूरी BJP और RSS की मशीनरी शुरू हो चुकी है। उन्होंने उसको बदनाम करने के लिए दो नई चीज़ें निकाली हैं। एक तो एक वीडियो वायरल की जा रही है कि वो लड़के लड़के आपस में किस कर रहे हैं, कि किस तरीके से JNU के छात्र भारतीय संस्कृति को बदनाम कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि वो जो वीडियो उसकी सच्चाई क्या है और वो पूरा मामला है क्या। दूसरा, एक 65 साल की महिला की फोटो वायरल की जा रही है कि लाजवंती बाई 69 साल की, कोई 65 साल की कह रहा है कि BF स्टेट में दाखिला ले रखा है। तो इन दोनों में से दोस्तों पहली बात तो मैं ये बता दूं कि जो लाजवंती बाई BF स्टेट की स्टूडेंट जिसको बता रहे हैं वो JNU की स्टूडेंट नहीं है। वो जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा था उस टाइम में कोई एक्टिविस्ट गिरफ्तार हुई थी, वो है। दूसरा, जो ये वीडियो वायरल कर रहे हैं किस वाली, 2014 से पहले पूरे देश के अंदर बजरंग दल RSS के लोग नौजवान लोगों को, जो प्रेमी जोड़े थे उनको पकड़ पकड़ के पीट रहे थे, उसके खिलाफ केरला के अंदर एक मुहिम शुरू हुई थी जिसको फेसबुक पेज किस ऑफ लव ने शुरू किया था। तो सबसे पहले ऐसी एक सभा कोची के अंदर हुई थी जिस वीडियो में वायरल कर रहे हैं, पहली वो कोची के अंदर की है जिसके अंदर एक महिला टीचर को दिखाया गया है। वो कोची के अंदर 2 नवंबर 2014 को हुई थी। उसके बाद वो सिर्फ JNU के अंदर नहीं, आईसर कोलकाता, कालीकट, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास और दिल्ली, देश के बहुत अलग अलग शहरों में इस तरीके की सभाएं हुई थी। दिल्ली के अंदर भी हुई, झंडेवालान में जो RSS का हेडक्वार्टर है उसके सामने ये सभा हुई थी। और इसके अंदर सिर्फ JNU के स्टूडेंट्स नहीं थे, इसके अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट्स थे, डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली के स्टूडेंट्स थे, जहाँ पे वो सभा हुई थी जिसकी वीडियो वायरल की जा रही है। अब सवाल यह है कि ये जो पूरी इंसिडेंट है ये JNU से जोड़ के जो दिखाई जा रही है ये सिर्फ JNU से जुड़ी हुई नहीं है। और दूसरी बात, अगर ये JNU से जुड़ी हुई होती भी, अगर ये JNU के अंदर हुआ होता भी, तो भी क्या फीस बढ़ोतरी जायज है? और एक तीसरी चीज़ ये है साथियों कि बहुत सारे लोग ये दिखा के कि यहाँ देश विरोधी नारे लगे थे, ये हुआ था वो हुआ था, इसलिए भी फीस बढ़ोतरी जायज ठहरा रहे हैं। इसलिए मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ आपको कि JNU के अंदर से कैसे कैसे लोग निकले हैं। JNU के अंदर से पी साईनाथ निकले जिनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला, जो इस देश के किसानों की आवाज़ को बार बार उठाते रहे हैं, वो इस बात को उठाते रहे किस तरीके से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक बहुत बड़ा घोटाला है, किसानों के साथ धोखा है। उसी JNU से योगेंद्र यादव भी पड़े हुए हैं जिन्होंने जय किसान आंदोलन शुरू किया, जो किसानों की आवाज़ को उठाते रहे हैं। उसी JNU से नेपाल के मौजूदा प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई भी पड़े हुए हैं। उसी JNU से लीबिया के पूर्व प्रधानमंत्री अली जदान भी पड़े हुए हैं। उसी JNU से हमारी देश की आज की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी निकली हुई है। उसी JNU से हमारे आज जो फोन सेक्रेटरी हैं वो निकले हुए हैं, और भी बहुत सारे IFS IRS पता नहीं क्या क्या उस JNU से निकले हुए हैं। इवन संजय बारू जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के प्रेस सेक्रेटरी थी। तो दोस्तों एक यूनिवर्सिटी के अंदर, खासकर JNU जैसी यूनिवर्सिटी के अंदर, इस देश के अलग अलग कोणों से स्टूडेंट्स आते हैं। उसके अंदर समाजवादी लोग भी हैं, उसके अंदर वामपंथी लोग भी हैं, उसके अंदर अम्बेडकरवादी लोग भी हैं। तो उसके अंदर बहुत एक वो ऐसा जगह है जहाँ पे इस देश की डाइवर्सिटी है, वहाँ पे डाइवर्सिटी है। तो इनके जो प्रपंच हैं, जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं दोस्तों, इनके प्रोपेगेंडा में ना आए, फीस बढ़ोतरी के खिलाफ आवाज उठाए और फीस बढ़ोतरी के खिलाफ चल रहे JNU के छात्रों के संघर्ष में उनका साथ दें। इंकलाब जिंदाबाद। और एक और बात दोस्तों, ये जो BJP RSS और ABVP के लोग संस्कृति के ठेकेदार बन रहे हैं, इनसे जहां भी आपको मिले इनसे पूछना चाहिए कि स्वामी चिन्मयानंद पे इनकी संस्कृति कहाँ चली जाती है, कुलदीप सेंगर पे इनकी संस्कृति कहाँ चली जाती है, रीना ठाकुर और उपेन पंडित पे इनकी संस्कृति कहाँ चली जाती है, और प्रदीप जोशी पे इनकी संस्कृति कहाँ चली जाती है। इनकी संस्कृति तब कहाँ चली जाती है जब इनके बड़े बड़े नेता, जिसके अंदर राजनाथ नरेंद्र मोदी तक खुद शामिल है, आसाराम बापू से जाके आशीर्वाद लेते हैं, इनके हरियाणा के बड़े बड़े नेता राम रहीम के पास जाके आशीर्वाद लेते हैं, तब इनकी संस्कृति कहाँ गायब हो जाती है।